Guys welcome back to our channel. I am Rana. I am And today we ियल ही हैूम इन जूम आउट इफेक्ट जो की थोड़ी देर में आपको रेनू का बताने वाली है अगर आप सॉन्ग नीम ढूंढ रहे हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक सॉन्ग नहीं है जितना की हमें पता है ये मीनासे ही ये ऑडियो है और ये ओनली पियानो का कुछ ट्यून्स है आगे बढ़ने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और अगर आप वीडियो और फोटो एडिटिंग में इंटरेस्टेड है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जैसे कि हमने कहा था कि हम कुछ लेके आने वाले हैं तो बहुत ही जल्द वो सेप्टेम्बर में आ जाएगा बहुत ही जल्द हम अनाउंस करेंगे साथ ही साथ हम गिवे भी लेके आएंगे तो दोनों एक साथ हम अनाउंस करेंगे अपने इंस्टाग्राम पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज हमें फॉलो करना मत भूलना सारे रूल रेगुलेशन आपको इंस्टा पे मिलेंगे फॉलो करना जो जीतेगा उसको हमारी तरफ से फ्री फ्री गिफ्ट मिलेगा और बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है हम दोनों के लिए काफी <laughs> <laughs> हमारे लिए तो होने वाला है तो स्टार्ट करते हैं ओके वीडियो एडिट करने के लिए आपको 11 पिक्चर्स की जरूरत होगी तो ज्यादा बेटर होगा आप सारी पिक्चर्स को एक फोल्डर में कर लेना ताकि जब हम एडिट करेंगे तो आपको इजीली सारी पिक्चर मिल जाए एंड सेकंड मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ मैं आपको जो टाइमिंग बताऊंगी ज्यादा बेटर होगा आप जो मेरी ऑडियो उसी पे इस टाइमिंग को यूज करना क्योंकि आप बहुत बार देखते होंगे जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से ऑडियो को यूज करते हैं कोई आगे से ट्रिम कर देता है कोई पीछे ट्रिम कर देता है या फिर एडिट कर देते हैं जिस वजह से अगर आप मेरी टाइमिंग को किसी और ऑडियो में यूज़ करेंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो मैच ना तो हो तो ज्यादा बेटर होगा आप मेरी ऑडियो यूज करना जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बताया आपको रील का कोई भी ऑडियो या कोई सॉन्ग हो या डायलॉग कुछ भी आपको डाउनलोड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो एडिट करने के लिए हमें वीएन ऐप ओपन करना है प्लस के साइन पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है फोटो पे क्लिक करना है तो ऑलरेडी मैंने इस इसे एक फोल्डर बना लिया है मैं जल्दी से उसे ओपन कर लेती हूँ तो यहाँ से मैं कुछ इलेवन पिक्चर सेलेक्ट करने वाली हूँ अब पिक्चर को आपको जैसे सिक्वेंस में चाहिए उसी को आप अभी सेलेक्ट कर लें तो ज़्यादा ईजी होगा बाद में एडिट करने में डन अब मैं इस पर सॉन्ग ऐड करने वाली हूँ तो जैसे मैंने कहा था नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप कोई भी सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं प्लस से साइन पे क्लिक करना है म्यूज़िक पे ऑलरेडी मैंने साउंड डाउनलोड किया है उसमें सेलेक्ट कर लेती हूँ मेरा जो साउंड है वो कुछ थर्टीन पॉइंट एट नाइन सेकेंड का है डन तो ज़्यादा बेटर होगा पहले मैं टू फिंगर स्क्रीन पर रख के इसको आउटसाइड स्ट्रेच कर लूँ कि पिक्चर थोड़ी ऐसे एक्सपेंड हो जाए ताकि मैं एडिटिंग ईजिली कर पाऊँ अब मैं आपको टाइमिंग बताने वाली हूँ फ़र्स्ट पिक्चर की मेरी टाइमिंग होगी ज़ीरो पॉइंट फोर नाइन सेकेंड तो ये अभी कुछ टू सेकेंड का है इसको मुझे थोड़ा छोटा करना है पिक्चर पे क्लिक करना है एंड ये राइट साइड पे आपको येलो वैरा दिख रहा है इस पर टैप करके आपको लेफ्ट साइड लेके आना है टाइमिंग कम होते जा रही है इसको मैं ज़ीरो पॉइंट फोर नाइन सेकेंड कर लेती हूँ सेकेंड एंड थर्ड पिक्चर की टाइमिंग जीरो पॉइंट थ्री नाइन सेकेंड होगी तो जैसे मैंने पहले ट्रिम किया था सेम उसी तरीके से आपको ट्रिम करना है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ फोर्थ पिक्चर टाइमिंग होगी जीरो पॉइंट एट वन सेकेंड देन जो फिफ्थ पिक्चर होगी हमारी सेम इसी पिक्चर की डुप्लीकेट होगी तो इस पिक्चर पे ऑलरेडी क्लिक किया है तो देखिए ऊपर येलो में कुछ ऑप्शंस आ गए जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगी तो ये सेम पिक्चर एज इट इज़ आ जाएगी तो इसमें हमें ओनली एलेवन पिक्चर्स की जरूरत है स्टार्टिंग की थ्री पिक्चर्स को छोड़ के बाकी जितनी भी रिमेनिंग है सबका हम कॉपी करेंगे जैसे मैंने अभी किया फिर बात आता है सिक्स पिक्चर जिसकी टाइमिंग होगी जीरो पॉइंट सेवन नाइन सेकेंड सेवन पिक्चर सेम सिक्स पिक्चर की कॉपी होगी तो आपको पिक्चर पे क्लिक करना है डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और टाइमिंग भी दोनों की सेम है जीरो पॉइंट सेवन नाइन सेकेंड मैं आपको सारी टाइमिंग एक साथ मेंशन कर देती हूँ जिससे आपका भी टाइम बचेगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले, ले लेना जब आप एडिटिंग करने जाएंगे तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर सेट कर लेना सब में सेम स्टेप्स फॉलो होंगे फर्स्ट आपको पिक्चर की टाइमिंग सेट करनी है देन उस पिक्चर का डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट वाली पिक्चर की टाइमिंग आपको सेट करनी है तो मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ अभी आप जब भी वी एन ऐप में एडिटिंग करते हैं तो हमेशा ये ब्लैक इमेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है तो आप इस पिच पे क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना अब आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है बहुत बार क्या होता है हमारी जो पिक्चर्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की होती हैं जिस वजह से हमारी जो वीडियो होगी वो कुछ अलग अलग साइज़ में आ सकती है ऑरिजिन में जाके ये जो आपको टिकटॉक का साइन दिख रहा है नाइन ये रील का भी साइज़ होता है इसमें जाके आपको सेलेक्ट कर देना है आती है मेन एडिटिंग आपने ध्यान दिया होगा पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट थी इसमें हमारी ऑलमोस्ट पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हुई और कुछ कुछ पिक्चर होगी जो कलरफुल होगी फिल्टर में जाके बिल्कुल लास्ट में आपको जाना है तो यहाँ पर आपको तीन फिल्टर मिलेंगे एफ़ फाइव एफ सिक्स एफ़ सेवन तो आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप सिलेक्ट कर लेना तो मुझे एफ़ फाइव ज़्यादा बेटर लग रहा है अब मैं इसको करने वाली हूँ अप्लाई टू ऑल अब हमें डालना है इसमें जूम इफ़ेक्ट तो आपको अब नीचे स्वाइप लेफ्ट करते हुए बिल्कुल एंड में जाना है और जूम पर क्लिक करना है देन उसके बाद जूम आउट पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है अप्लाई टू ऑल करने से क्या हो गया सारे पिक्चर्स में जूम आउट का इफेक्ट आ गया है अब जिसमें हमें ये इफेक्ट नहीं चाहिए हम उसमें रिमूव कर देंगे हमारी जो फिफ्थ पिक्चर है दैट्स में जो ये डुप्लीकेट पिक्चर आ रही है इसमें मुझे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए ये पिक्चर जैसी थी मुझे वैसी चाहिए तो पहले मैं इसमें एक जूम इफेक्ट मैं नन पे क्लिक करूंगी और ध्यान देना है यहाँ पर आपको अप्लाई टू ऑल नहीं करना है यहाँ पर ओनली आपको टिक पे क्लिक करना है जिससे कि सिर्फ इस पिक्चर का जो जूम इफेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा एंड सेम आपको फिल्टर पे क्लिक करना है और इसको बिल्कुल आपको लेफ्ट में जाके ओरिजिनल पे क्लिक करना है डन कर दे। तो देखिए बाकी जो पिक्चर है जो मैंने इफेक्ट और जूम इफेक्ट डाला था वो सेम है और जो मुझे सिंपल चाहिए सिंपल आ चुकी है सेम ऐसी करना है एक पिक्चर ब्लैक एंड वाइट जूम इफेक्ट के साथ होगी जो उसका हमने कॉपी किया था वो नॉर्मल रहेगी सारी कॉपी पिक्चर्स में से आपको ब्लैक एंड वाइट एंड जूम इफेक्ट को रिमूव कर देना है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया सेम आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है अब आपको सिर्फ एक काम करना है स्टार्टिंग पे आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है मैं इसमें वाइट रख रह रही हूँ डन पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड आपको हमेशा याद रखना है अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप जब भी पिक्चर्स के साथ एडिटिंग करते हैं वी ऐप में तो आप हमेशा रिजोल्यूशन को सेवन ट्वेंटी रखना क्योंकि बहुत बार पिक्चर से वो ब्लर हो जाती है पूरी एडिट होने के बाद ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है डन करके सेव कर लेना